LGAC की VIP सर्विस की कंप्लीट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने रुपए लगते हैं LG की तरफ से सर्विस करवाने के, उसके अलावा कितना टाइम लगता है, आप इनको कैसे बुला सकते हो, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये आपके घर में आते हैं और आपके AC को चेक करते हैं कि क्या वो सही से काम कर रहा है, और उसके भी पहले हम इनसे परमिशन ले लें कि क्या हम वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बनाने है ना? हाँ, कोई गल नहीं, कोई तो भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ये LG के टेक्नीशियन हैं और ये नॉर्मली आपको मना नहीं करते हैं, बट फिर भी हमारा भाई फर्ज है कि हम इनसे एक बार पूछ तो लें। तो चलिए गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले इसका डस्ट फिल्टर निकाला गया है और कितनी ज़्यादा भाई यहाँ पर डस्ट है, डर्ट देख सकते हो। अगर ये साफ़ सफाई ना हो तो भाई अच्छे से जो AC है वो सांस नहीं ले पाएगा, तो इसके लिए इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सर्विस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले काम यही होता है कि AC को पूरा खोला जाता है। AC को खोलते हुए वीडियो आपको मैंने कई बार दिखाई है, बट फिर से एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि सबके पास LG का ही नहीं है। मैंने अभी सैमसंग की भी सर्विस करवाई थी, और इसको मैं VIP सर्विस क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये सैमसंग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगी है। मैं बताना चाहूँगा आपको, लगभग 1.5 गुना महंगी है। अगर एस्टिमेट बता दूँ तो मैंने वो कराई थी लगभग 600 रुपये या 650 रुपये के आसपास लगे थे सैमसंग की सर्विस के, और इसके हैं गाइस जो प्राइस वो है 895 रुपये के आसपास। मतलब मान के चलो कि 1.5 गुना प्राइस है इसका, बट हाँ उन्होंने अच्छे से किया है। सैमसंग की भी मैंने आपको सर्विस दिखाई हुई, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाकर वो भी दे सकते हो। और ये जो LG की सर्विस है ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इन्होंने भी भाई बहुत अच्छे से सफाई वगैरह की है। अब LG की तरफ से है तो आपको भरोसा भी होता है कि आपकी कोई जो पार्ट्स हैं वो मतलब ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्मली कहीं और बाहर से कराते हो तो उनको कितना एक्सपीरियंस है हमको नहीं पता होता। 2 मिनट खुशी वीडियो बनाने के सर, आज तेरी बढ़िया गा दी, फेमस होने की बारी आ गई। सो गाइज कर दीजिए इन सबको फेमस, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो इन्होंने सर्विस की, और बहुत अच्छे से सर्विस किया। आप पूरी सर्विस देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा इनके लिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो भाई पॉलीथीन से कवर किया जाता है, इसकी जो PCB और वायर्स होती हैं वो कवर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पर पानी चला गया, क्योंकि ये एक वेट सर्विस है तो इसमें पानी का इस्तेमाल होना है। हमारे पास मतलब कि जो ये होते हैं टेक्नीशियन के पास होती है हाई प्रेशर वाटर वॉशर मोटर, तो उसके थ्रू ये जो है पूरी की पूरी सर्विस की जाती है। अभी हम इंडोर यूनिट को दिखा रहे हैं, उसके बाद आउटडोर यूनिट को भी दिखाएंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। उसके बाद ये जो क्लोथ लगाते हैं, ये वाला जो आपको अभी हाथ में दिख रहा है, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके नीचे भाई मेरा सीधा बेड है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो पानी सीधा मेरे बेड पर पड़ सकता है, और अगर आपके पास बेड मतलब इसके नीचे नहीं है तो आपके रूम में पानी ना खिल रहे, इसलिए ये चीज़ लगाई जाती है। पानी इधर उधर नहीं जाएगा, वो इसके थ्रू एक कंटेनर में, चाहे आप बाल्टी दे दीजिए या आप कोई टब दे दीजिए, ताकि जो पानी है जो डर्ट वाला पानी है वो सारा का सारा उसमें आ जाए। और वो आपको पानी भी दिखाऊंगा मैं कि कितनी ज़्यादा भाई डर्ट थी आपके AC में जो सारी की सारी पानी में आती है। तो ये जो है क्लोथ, इसको लगा लेते हैं, और उसके बाद गाइस जो हाई प्रेशर वाटर वॉशर मोटर है उससे इसको सफाई करते हैं। तो ये देखिए ये पाइप है, तो ये यहाँ पर हमने कंटेनर दे दिया, इनको बाल्टी दे दी है, तो जो भी ऊपर से गंदा पानी होगा वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा, और बाकी जो पानी होता है वो ड्रेनेज पाइप होती है जो पीछे जो होती है जो पानी के थ्रू जाती है, जो हमने अंडर वॉल फिटिंग कराई हुई है उसके थ्रू चली जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट हो चुकी है हमारी जो हाई प्रेशर वाटर वॉशर मोटर है, और ये आप देख सकते हो। तो इसमें गाइस काफ़ी टाइम लग जाता है, आपको मैं पूरी वीडियो नहीं दिखाने वाला हूँ, थोड़ी ही वीडियो दिखाऊंगा, बट आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए आधे एक मिनट, उसके बाद मैं आपको बाकी का प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपको मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी कितना ज़्यादा गंदा होता है, तो ये आप देख सकते हो।
भाई पूरा जो डट है वो वाला पानी यहाँ पर आ चुका है, और बाल्टी भाई पूरी गंदी हो चुकी है और भर भी गई है। तो यहाँ पर हमको एक और बाल्टी भी चाहिए होगी, खाली बाल्टी, जिसमें जो बाकी का पानी है, अदरवाइज़ जो पानी है वो नीचे गिर सकता है, क्योंकि अभी तो सर्विस करने में टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो गाइज ये लगभग आधे से पौने घंटे का प्रोसेस होता है, एक घंटे के आसपास भी लग सकता है। तो एक घंटे के आसपास आप मान के चलिए आधा से एक घंटा लगता है पूरी की पूरी सर्विस करने के लिए, पर मैं आपको अभी सिर्फ शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ जितना शॉर्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा हाई प्रेशर वाटर वॉशर मोटर का काम था वो अब कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद अब इसको अच्छे से पोंछना है। पोंछने के बाद जो भी हमारा क्लोथ था उसको हटाना है, और जो हमारे पॉलिथीन लगाई हुई थी पीसीबी को बचाने के लिए और वायरिंग को बचाने के लिए उसको हटा सकते हैं हम। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो जो इनडोर यूनिट है उसकी जो वेट सर्विस है उसमें जो पानी था वो देखो भाई कितना गंदा हो चुका है। और ये दूसरी बाल्टी, पहली बकेट हमने आपको दिखा दी थी उसमें कितना गंदा पानी था, और अब दूसरी बाल्टी में भी। अब सिर्फ इसको पोंछने का काम रह गया, अच्छे से पोंछ देना होता है, क्योंकि जितना मर्जी हम बचा लें फिर भी पानी कई बार थोड़ा इधर उधर रह जाता है। तो उसको अच्छे से हमको ड्राई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो किसी भी एक ड्राई क्लोथ से ये जो ड्राइंग का काम हो जाता है। अब इसके बाद गाइस जो बाकी इसके कंपोनेंट्स हैं जितने भी पार्ट्स रह जाते हैं उनको सिर्फ पानी से नहीं बल्कि शैम्पू वगैरह से भी अच्छे से धोया जाता है। आप शैम्पू दे सकते हो, आप इनको सर्फ दे सकते हो, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो तो आप उनसे भी इसको अच्छे से साफ़ सफाई करवा सकते हो। इसलिए मैं इसको वीआईपी सर्विस कहता हूँ कि मतलब कि कोई कमी पेशी रहती है, जैसे नॉर्मली जो सैमसंग वाले आए थे उन्होंने सिंपल जस्ट वेट मतलब सिर्फ पानी से साफ सफाई की, पर इन्होंने भाई पूरा पूरा मतलब कि अच्छे से चमका दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ये भी पूरा दिखाता हूँ मैं कि कितने अच्छे तरीके से, जैसे आपका खुद का मतलब होता है ना, जैसे हम खुद की अपनी चीज़ की सर्विस कर रहे होते हैं उस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर्विस की। और इस चीज़ में तो भाई एलजी को चलो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे जरूर लगते हैं, तो वो चीज़ कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट सर्विस आपको जो क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर मिलती है। अगर आप सर्विस करवाना चाहते हो तो आपको इसका जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अलावा यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके इनके लिए आप अपना सर्विस जो है वो करवा सकते हो। आपको स्लॉट मिल जाएगा कि इतने दिन बाद आपको जो है सर्विस मिल जाएगी। मेरे को तो एक या दो दिन में ही मिल गया था, तो एक या दो दिन बाद ही आते हैं और आपसे परमिशन लेते हैं किस दिन आपको चाहिए, जब आप फ्री हो गए तब ये आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट आपके जो इंडोर यूनिट के पार्ट निकाले थे वो दोबारा से लगा दिए जा रहे हैं, और जो हमारी इंडोर की यूनिट की सर्विस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जा रही है। जो स्क्रूज़ रह गए थे स्क्रूज़ लगा दिए जाएंगे, जो ऊपर का डस्ट फिल्टर था डस्ट फिल्टर लगा दिया जा रहा है, और उसके बाद गाइस एक नीचे की जो होती है वो हमारी ये वाली जो पट्टी होती है वो चीज़ भी लगा देते हैं। तो इसके बाद जो हमारी ये है इंडोर यूनिट की सर्विस ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। जस्ट इसके बाद एक ड्राई क्लॉथ मार के इसको सफाई कर दी जाती है। चलिए अब चलते हैं अपने आउटडोर यूनिट की तरफ और उसकी सर्विस भी देखते हैं कि इन्होंने कैसे की है। ऊपर वास्ते पानी है क्या? हाँ ऊपर है। तो गाइज आउटडोर यूनिट की सफाई के लिए सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि ये गंदा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी तरह से गंदा है, क्योंकि नॉर्मल जो आउटडोर यूनिट होते हैं हमारे वो छत पे होते हैं या हमारे रूम के बाहर होते हैं, तो वहाँ पर नॉर्मली बात है कि डस्ट तो होगी होगी। तो यहाँ पर भाई एक एक साल के बाद हम सर्विस कराते हैं लगभग, तो यहाँ पर देख सकते हो पूरी फुल डस्ट है। तो यहाँ पर जब ये पूरी क्लीन होगी तो आपको अच्छे से दिखेगा भी। और नॉर्मली मैंने देखा है कि जो लास्ट टाइम भी हमारे एलजी के सर्विसमैन आए थे उन्होंने ये जो फ़ैन है इसको ओपन नहीं किया था, बट ये वाले भाई भाई लोग ने ये पूरा फ़ैन ओपन किया और इसको अच्छे से सर्विस किया। तो ये चीज़ भी मैं कहना चाहूँगा कि हाँ वीआईपी सर्विस के अंदर मतलब कोई पार्ट रह नहीं गया जो इन्होंने अच्छे से साफ़ सफाई ना की हो, तो इस चीज़ में तो भाई मानना पड़ेगा कि अच्छी बात है। तो एंजॉय कीजिए पूरी वीडियो को। उसके अलावा यहाँ पर आपको देना पड़ता है भाई इनको एक कनेक्शन, क्योंकि इनको चाहिए होती है मोटर, जो इनकी वैसे जो ये प्रेशर हाई प्रेशर वाटर वॉशर मोटर थी इसकी पाइप बहुत लंबी थी, तो अगर आपके पास मतलब कि स्विच एट अ टाइम नहीं है, मेरे पास यहाँ पर ऊपर भी हमारे पास बाथरूम है तो वहाँ से हम स्विच दे सकते थे इनको, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते थे, बट इनकी जो हाई प्रेशर वाटर वॉशर मोटर है वो नीचे से ही इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी हमारी ले ली, तो मतलब कि दिक्कत ही नहीं पड़ी स्विच और सॉकेट की, हमको जरूरत ही नहीं पड़ी कि अगर ऊपर ना भी होता तब भी हमारा काम चल जाता है। कईयों के पास नहीं होता तो वो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, बट इनकी जो भाई ये हाई प्रेशर वाटर वॉशर मोटर थी यही इतनी लंबी पाइप वाली थी कि इनको कोई दिक्कत ही नहीं होती, काफ़ी लंबी पाइप होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जितना टाइम इसको लग रहा है ये भी मैं पूरा पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, टाइम तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लगा, बट आपको ये चीज़ भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ
कि कैसे करते हैं, बट आपको जो एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा फुल मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी इंजॉय कीजिए। सो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हो कि एक एक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से खोला गया, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से उसकी सफाई की गई है। बट अगर आपको फिर भी कोई कमी पेशी लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के बता सकते हो, और आप कौन सा एसी यूज़ करते हो वो चीज़ मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो आपके यहाँ पर जो भी टेक्नीशियन आए थे वो किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, क्या उन्होंने इससे अच्छी सर्विस की थी, या अभी तक जितनी भी सर्विसेज देखी हैं आपने उनमें ये सबसे अच्छी सर्विस थी, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको 1% भी वीडियो अच्छी लगी है तो भाई इन दोनों भाइयों के लिए तो ये वीडियो पर लाइक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनका भी इससे मोटिवेशन बढ़ेगा और ये और अच्छे तरीके से ऐसे ही सर्विस करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। सो लास्ट में ये बस थोड़ी सी वीडियो रह गई है 1-2 मिनट की, तो वो भी आप देख कर जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। मतलब जो उरे पानी पाते होते हैं ना, तो कोई चक्कर नहीं पाता।